पहली दफा जब आपको स्क्रीन पे देखा तो आपने डेब्यू मिकाल के साथ किया इब्रार उल हक के गाने के ऊपर, फिर आपको अनारकली के रूप में देखा, शुएब मंसूर साहब ने आपको पिक्चराइज किया। ये शुएब मंसूर साहब ने आपको ही क्यों सिलेक्ट किया अनारकली के रूप में? वाज देयर अ चॉइस? उस टाइम पे तो नहीं। ईमान, आपको नहीं लगता कि मायरा खान और महवेश रियाज अनारकली बन सकती हैं? ये खामोशी है या पास ये या वेल लेफ्ट करूं? सुपर ओवर में आपने वेल लेफ्ट की बॉल, अब पीछे जाके और चीजें पास करने की नहीं रह गई। अभी आजकल बहुत कर रही हो, आई एम पासिंग ऑन अ लॉट ऑफ वर्क। अच्छा, यू आर पासिंग, ठीक है, मगर फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। ईमान, अगर मिली गई तो बताओ कि नदीम बेग ने पंजाब नहीं जाऊंगी पहले आपको ऑफर की थी तो आपने क्यों नहीं की? तो जो बाकी सारी ऑफर की थी उसके बारे में तो आप पूछने रहे। अच्छा, तो आप बता दें और कौन कौन सी आपको फिल्में ऑफर? देखो, आपके पास टाइम नहीं होता, वरना मैंने तो पूछते ही रहना था। मैंने तो और मैंने सीधा जवाब नहीं देने होता। नहीं, वैसे वाकई पंजाब नहीं जाऊंगी बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी और आपको ऑफर भी हुई थी। नो, आई हैड माय ओन इश्यूज, उसके ऊपर आई हैव स्पोकन अबाउट इट। तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी ऐसी बात जो पहले जिसका मैं जवाब दे चुकी हूँ तो बहुत रिहर्स जवाब लगता है। अच्छा, सो देन आई अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट, बट याद है देयर वर सम इश्यूज। और वो चार दिन पहले, मतलब शूट पे जाने से पहले, चार दिन पहले तक हम लोग रीडिंग्स कर रहे थे। हाँ। सो उसमें थे मेरे कोई इश्यूज, वो जब मैं और आप बैठे होंगे ना, जब लोग नहीं होंगे तो फिर मैं आराम से। अच्छा, एक मिनट, हम कैमरा बंद करते हैं। नहीं, अभी आए हैं ना डिनर पे, जो लोग आए हैं ना, इनके सामने नहीं बता सकते, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके नदीम, बाद में पूछेंगे।